वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जुजुमी था वो अपने कैबिन में आ गया था, और कैबिन में बैठ के वो ना व्यूंगी के बारे में ही सोच रहा था। फिर कहता है क्यों ये लड़का मेरे बारे में बहुत बार मेरे माइंड में आ रहा है, ये सोचते और फिर कहते हैं ना मुझे अपने आप को काम में लगाना। और ये कह के ना जो जुजुमी था वो अपना काम वापस से करने लग जाता है। उस और 5 मिनट्स बाद उसके डोर पर एक नोक होता है, तो फिर वो ना बगैर सर उठाए कह देता है कम इन। तो फिर वहाँ से ना एक स्टूडेंट अंदर आता है, और वो कोई और नहीं हमारा योंगी होता है, जिसके हाथ में खाने की ट्रे आती है, और वो ना जिमिन के सामने जाके रख देता है। और जो जिमिन होता है वो जब खाने को देखता है तो थोड़ा कन्फ्यूज रहते थे, और वो फिर जब अपना सर उठा के योंगी की तरफ देखते हैं तो वो शौक हो जाता है और फिर फौरन सीट से खड़े हो जाते, कहते तुम यहाँ क्या करो, तुम्हें इजाज़त ही सहती है अंदर आने की। तो फिर कहते हैं कि सर अभी आपने बोला कम इन, तो फिर कहते हैं कि ना ठीक है ठीक है बस तुम जाओ जाओ बैठा। लेकिन सर रुके तो सही, आपको इतनी क्या जल्दी है, ये बोलते और फिर जो योंगी होता है वो ना जिमिन के पास आ जाता फुली, और उसकी ना जो वेस्ट को ना टाइटल पकड़ लेते हैं। तो फिर ना योंगी की ना ये हरकत देख के ना जिमिन घबरा जाता है, और उसको ना पीछे करने की कोशिश करता है, बट जो योंगी होता है वो पीछे नहीं होता। तो जिमिन को ना थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो ना योंगी को ना पुश कर देता है, जिससे योंगी ना थोड़ा सा ना लड़खड़ाता है, और फिर ना थोड़ा पीछे हो जाता है, और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है। और जिमिन कहते हैं कि ना तुम ये क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम इस तरह कैसे कर सकते हो, हाँ मैं प्रिंसिपल से जाके तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ, समझ आई तुम्हें। तो फिर ना जो योंगी होता है वो ना आगे आने लगता है, और जो जिमिन होता है वो पीछे होने लगता है, और फिर ना उस जो जिमिन की ना फिर से बैक ना पीछे बोल के साथ टकरा जाती है, और फिर ना वो वापस से योंगी की तरफ देखने लगते हैं। और जो योंगी होता है वो कहते हैं कि ना सर आपको हर बात प्रिंसिपल ऑफिस तक लेके जाने की क्या ज़रूरत है, हम प्राइवेट में भी तो बातें रख सकते हैं। तो फिर ना जो जी मेरे तो वो कहते हैं कि ना तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस करो, समझ आई, तुम्हारे टीचर हो तुम मुझे हरास कर रहे हो। तो फिर ना ये सुन के ना जो योंगी होता है वो ना जिमिन की तरफ देखने लग जाता है, तो कहते हैं कि ना टीचर मैं आपको सर मैं आपको हरास कर रहा हूँ, कहते हैं येस ऑफकोर्स तुम ये और क्या कर रहे हो, तुम मेरी बॉडी को टच कर रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, हाँ। तो फिर कहते हैं कि ना वेल सर बुरा ना मानिए आएगा, बट आपको भी ये चीज़ नोटिस करना चाहिए कि आप भी मेरे टच को इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर ना ये सुन के ना जिमिन शौक आ जाता है, कहते मैं तुम्हारे टच को इंजॉय नहीं किया कर रहा, किसने बोला इस तरह, ना थोड़ा हेजिटेट करो तो ना खिला रहा था। तो ये देखे ना जो योंगी होता है वो शौक ना एक्सप्लेन करता है, और फिर कहते हैं तो सर मेरे पास प्रूफ ही है, मैं आपको प्रूफ करके दूँ। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ कन्फ्यूज फेस से दिखने लगता है, और फिर ना इसको ना जो योंगी होता है वो हाँ में ले लेता है, और फिर ना जिमिन के पास आता है, और फिर ना जो जिमिन होता है वो तो पहले से वॉल से टच था, तो उसके ना इर्द गिर्द उसके ना दोनों अराउंड हाथ रख देता है, जिसे ना जिमिन पार ना जा सके, और वो ना जिमिन की आइज में देखने लगा था, और जो जिमिन था वो भी उसकी आइज में खो गया था। उसके बाद जो योंगी है उसकी ना नेक भी आता है, और नेक पे ना उसके ना गरम गरम सांसें छोड़ने लगते हैं, और फिर ना जो उसकी सेंट थी जिमिन की उसको इनहेल करने लगता है, और फिर कहते हैं कि ना सर योर सेंट इज सो रिलैक्सिंग, उस तरह बोलते हैं। फिर कहते हैं कि ना जिमिन सर उस तरह बोलते हैं, और उसकी ना नेक पे ना बाइट कर लेते हैं, जिससे ना जो जिमिन होता है वो ना शौक हो जाता है, और वो ना एक मौन भी करता है, और अपनी आइज को क्लोज कर लेते हैं, बिकॉज ये उसके लिए सेंसेशंस फर्स्ट टाइम थी, और उसको ये काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और वो ना जूंगी की ना शर्ट को ना टाइटली पकड़ लेते हैं उसकी शोल्डर्स वाली साइड से, और उसके शोल्डर्स को भी, तो ये देखिए ना जूंगी ना स्पिक करता है, उसके बाद फिर ना वहाँ से किस करता हुआ हल्का सा सक करता हुआ दूसरी ना राइट साइड पे आ जाता है, उसके बाद फिर वहाँ पे सक और बाइट करने लग जाता है। और जो जिमिन होता है वो उसको ना पुश नहीं कर पा रहा था, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था वो करना चाहता था पुश, बट उसको ना वो फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी जैसे योंगी उसको टच कर रहा था। उसके बाद जो योंगी के हाथ है वो ना उसकी वेस्ट पे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से उसकी ना पैंट के अंदर चले जाते हैं जिमिन की, और ना उसकी ना जो बड्स चिक्स थी उसको ना प्रेस करने लगते हैं। और जब जिमिन को ये चीज़ फील होती है कि ना जो योंगी उसके हाथ कहाँ पहुँचे, तो उसकी आइज वांडर हो जाती है, और वो फौरन अपनी सेंसेस में आता है, और फिर ना योंगी को ना पुश करता है, और जो योंगी होता है वो ना जिमिन की तरफ देख रहा होता है, और जो जिमिन होता है वो शौक होता है कि ना ये अभी क्या वो जिमिन ने ये कैसे करने दिया। तो फिर ना ये देखे ना योंगी को समझ आता था कि जिमिन क्या सोच रहे थे, वो एक्सप्लेन करता है, और फिर ना जिमिन के पास आता है, और जिमिन ना थोड़ा घबराने लगता है, नर्वस हो जाता है। तो फिर ना योंगी उसके पास आता है, और उसके ना कान में आके बोलते हैं कि ना सर देखा आप भी मेरा टच इंजॉय करते हैं, समझे,
इसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते ओके। इस तरह बोलता है और फिर ना जिमिन की ना एल लो फिर ना फिर से एक बाइट कर लेता है और फिर ना कहते हैं और उसकी चिप पे किस करता है और फिर कहते हैं ना खाना खा लीजिएगा सर मैं आप लेके आए हैं। तो फिर ना ये बोलता है वहां से चले जाते हैं। तो फिर ना जिमिन और फुली वहां पे शुक खड़ा होता है और अभी भी उसको ना युंगी का टच अपने बॉडी पे फील कर पा रहा था वो और वो शुक होता है फुली कि अभी ये हुआ क्या। तो फिर कहते हैं कि ना मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है ये बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है मुझे प्रिंसिपल से बात करनी होगी। फिर वो सोचे कि ना नहीं प्रिंसिपल से बात करने की जरूरत नहीं मैं इसको खुद ही हैंडल कर लूँगा हो सकता। तो फिर ना ये सोचा और फिर कहते हैं कि अगर कोई और मसला हो गया तो मैं देखूँगा बट मुझे नहीं लगता ये बात प्रिंसिपल को ज़्यादा बतानी चाहिए। वैसे हम बोलते हैं और फिर ना वहाँ से ना वापस अपने ना चेयर पे आके बैठ जाते हैं जिमिन और उसके बाद फिर ना वो उस ट्रे की तरफ देखने लगते हैं जिसमें खाना था। तो फिर उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ना उसके फेस पे ना अनजाने में एक स्माइल आ जाती है जिसका उसको भी नहीं पता चलता। और ना जब वो फील करते कि वो स्माइल कर रहा है तो खुद भी शॉक हो जाता है बिकॉज जो जिमिन था वो काफ़ी कोल्ड नेचर का था और वो कभी भी स्माइल नहीं करता था। बहुत कम लोगों ने सिर्फ उसके ना जो ब्रदर ने और उसकी मदर ने उसको स्माइल करते हुए देखा था। जो उसके फादर थे जब जिमिन छोटा सा था तब भी उसकी डेथ हो गई थी उनके फादर की जिसकी वजह से जिमिन को अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता सिर्फ उसकी स्माइल उसके भाई और उसके ना मदर ने देखी हुई थी जिमिन ने। और काफ़ी टाइम से ना जिमिन ने स्माइल भी नहीं की थी और जब वो ये ना महसूस करते हैं जिमिन के वो योगी की वजह से स्माइल कर रहे तो वो खुद भी शौक होता है। उसके बाद फिर वो फिर खाने की तरफ देखता है और फिर कुछ कहता नहीं और ना खाना शुरू कर और खाना ना खाने लग जाता है। उसके बाद कुछ टाइम पर तो वो ख़त्म भी कर लेता है और फिर वहाँ पर ना वो स्टाफ को बुलाता और फिर ना बर्तन ले जाने के लिए कहते हैं तो वहाँ से वो ट्रे ले जाते हैं। उसके बाद जो जिमिन होता है वो ना देखता है टाइम तो अब कैफेटेरिया का टाइम ख़त्म हो चुका था। तो फिर वो एक गहरी सांस लेते और सोचते कि ना मुझे फिर से उसका सामना करना होगा। फिर एक बोलता है फिर ना वहाँ से ना चला जाता है अपनी क्लास के लिए और फिर जैसे ही क्लास में आके देखते हैं तो वहाँ पर ना इस टाइम ना सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से बैठे होते तो ये देखे ना वो ना वो करता है कि ना चलो अच्छी बात है। और अब हम थोड़ा जानते हैं जुंगी के बारे में। जो यंगी है वो पूरे कॉलेज का हार्ट थ्रोब है जो हर कोई इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है रिस्पेक्ट करता है और वो बहुत ही ज़्यादा वेल रेपुटेटेड फैमिली से है और सब उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। वो एक फ्लडी बॉय है बट वो नेचर को बहुत अच्छा है। वो फ्लडी है बट उसने वो कोई प्ले बॉय टाइप नहीं है। वो किसी के साथ भी वन नाइट स्टैंड या इस तरह की हरकतें नहीं करता। वो बस फ्लर्ट करते हैं सभी तारीफें करते हैं और थोड़ा सा इस तरह का अफेक्शन दिखाता है बट वो आज तक किसी रिलेशनशिप में नहीं है। और अगर उसको कोई वो आते हैं प्रपोजल्स आते हैं तो वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रिजेक्ट कर देता है जिससे ना सामने वाले की बेइज्जती भी नहीं होती और वो आराम से अपना काम ही निकाल लेता है। और उसके फ्रेंड्स भी हैं उसके फ्रेंड्स हैं तेयंग रामजन जिन और जेहोक ये इसके फ्रेंड्स हैं। तो इधर हम देखते हैं कि ना जो युंगी होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स की क्लास अलग थी और वो सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं उनका एक ही ईयर है एक साथ का। तो इस टाइम उनकी क्लासेस चेंज थी फर्स्ट उसमें कैफेटेरिया से पहले बट अब के उनके क्लासेस एक साथ है। तो वो जो नर साहब इकट्ठे बैठे होते और फिर कुछ बातें कर रहे थे वहाँ पे ना जैसे जिमिन आता है तो फिर युंगी की ना जैसे तो हार्ट बीट रुक ही जाती है। जिमिन को सुबह से जब भी युंगी देख रहा था उसको यही फील हो रहा था कि उसकी हार्ट बीट रुक रही है। उसको ना जिमिन से ना एक अफेक्शन फील हो रहा था और वो ना जिमिन की तरफ ही देख रहा था और ये चीज़ उसके ना सारे दोस्त में नोटिस करते हैं। और फिर ना युंगी से पूछती ये सब क्या है तो फिर ना युंगी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और जिमिन में दोबारा से खो देता है। ये चीज़ जिमिन भी नोटिस करता है कि युंगी उसको देख रहा है तो वो ना उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। और इसी तरह उनका फर्स्ट पीरियड गुजर जाता है। उसके बाद उनका ना जो एक और पीरियड था उसमें जो जिमिन था उसको ना थोड़ा एक कॉल आ जाती है जिसकी वजह से उसको ना घर जल्दी जाना पड़ता है और फिर ना वो सबसे एक्सक्यूज करता है। एक्चुअली उसकी ना मदर की तबीयत खराब हो गई थी जिमिन की तो वो वहाँ से सबसे एक्सक्यूज करता है और फिर ना प्रिंसिपल से जाके बात करता है और फिर ना घर चला जाता है। तो अब बाकी के जो भी उनके पीरियड्स थे वो फ्री थे तो जो युंगी था वो ऐसे बैठा होता गार्डन में उन्हें कॉलेज के टाइमिंग का ख़त्म होने का वेट कर रहा था। उस टाइम में ना उसके सारे फ्रेंड्स उसके पास आते और उसे पूछते कि ना वो न्यू टीचर की तरफ इतना ज़्यादा अफेक्शन क्यों दिखा रहा था इतना ज़्यादा उसको क्यों देख रहा था क्या हुआ क्या उसमें इंटरेस्ट है
तो फिर ना जो यूं गया था वो ना उन चारों की तरफ देखने लगता है, और फिर ना जो एक बेंच पे बैठा था और फिर ना अपना सर पीछे फेंक बैकवर्ड्स फेंकता है, और फिर कहता है कि ना आई यार तुम, मुझे पता नहीं है बट उसको देख के ना, हमारे न्यू प्रोफेसर को देख के पता नहीं मुझे कुछ फील हो रहा है, मैं उसको ना फील करना चाहता हूँ। तो फिर ना ये देखे ना सारे शौक थे, बिकॉज जूंगी ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की थी। और फिर कहते कि ना वेट ब्रो, जो बोलते कि ना क्या तुम उसके साथ वन नाइट स्टैंड करने का तो नहीं सोचे, ये बोल के ना सारे ना उसके यूंगी की तरफ देखने लगते। तो यूंगी एक अनोइड फेस बनाता है, और फिर ना जिम के जो के सर पे हल्का सा स्मैक करते हुए कहते कि ना कि ये बात नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरे पास हो, पता नहीं क्यों बट मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको ना सबसे छुपा लूँ। तो मैं बताया आज पूरी क्लास उसी को ही घूर घूर के देख रही थी, माय न्यू प्रोफेसर को, बट मेरा दिल कर रहा है मैं उसको छुपा लूँ। तो फिर ना जो तेंगा था वो उसकी तरफ ना वियर्ड लुक से देखते हैं, और फिर कहते कि ना वो जूंगी तुम एक्चुअली चाहते क्या हो। तो फिर ना जो जिमें जूंगी कहते हैं कि ना मैं उसको अपना बनाना चाहता हूँ। तो फिर ना जिन कहता है कि वो तुमसे एज में बड़ा है, तुम्हारी एज सिर्फ 20 है, और उसकी देख के लग रहा है कि वो 30 से भी अबव है, और इतना ज़्यादा एज डिफरेंस कोई तुम्हारे रिलेशनशिप को मानेगा भी नहीं। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते हैं, और यूंगी उसकी तरफ देखते हैं जिन की तरफ, और कहते हैं कि ना मुझे लोगों से कोई पड़वाह भी नहीं है, मुझे लोगों की, मुझे सिर्फ अपना हुआ है, अगर मैं खुश हूँ तो मुझे उसी में ज़्यादा हुआ है, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलेगी मैं उसके साथ रहूँगा, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ बोलते हैं। और फिर ना उनकी तरफ देखने लगता है, और फिर कहते हैं कि ना हम भी तुम्हारी साइड में, हमें भी कोई मसला नहीं है, हमें ऐसे लुक ना दो, हमें समझ आ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो फिर कहते हैं तो फिर कहते हैं कि ना वेल जाम जून बोलते कि ना यूंगी क्या तुम सीरियस हो। तो फिर कहते कि ना मुझे अभी इन फीलिंग्स का ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है, बट मैं इतना श्योर हूँ कि मैं जीवन को अपने अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, मैं उसको छुपाना चाहता हूँ ताकि वो सिर्फ मेरा, और फिर उसके बाद जब वो मेरा पूरी तरह हो जाए ना तो सबको अच्छे से मैं दिखा सकूँ कि ये सिर्फ मेरा, ये पार्ट जिमिन सिर्फ मुझे बिलोंग करता है, मैं उसको मेन जिमिन बना के रहूँगा। तो फिर ना सारे उसकी तरफ देख रहे थे, और फिर ना सारे ना एक ही ओर से स्माइल की तरफ कहते हैं देखेंगे देखेंगे मेन यूंगी अभी चलो कॉलेज का टाइम खत्म हो गया, कहते कि ना हाँ चलो। उसके बाद सब अपने अपने घर के लिए चले गए थे, और हमारा सेकेंड पार्ट भी यहीं पर ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगा, टाटा बाय बाय।